हेलो एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट श्रुति, को फाउंडर ऑफ न्यूट्रिबल फूड। सो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन वाला पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए। वो है विनिंग फूड क्या है, व्हाट इज विनिंग फूड एंड व्हाई विनिंग फूड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ्स। हमें 6 महीने के बाद ही क्यों विनिंग फूड स्टार्ट करना चाहिए, तो उस पे हम आज पॉडकास्ट लेकर आए हैं। और हमारे गेस्ट है आज हमारे साथ डॉक्टर अपूर्व शाह। He is from Surat and he is director consultant pediatrician and neonatology at Velocity Hospital and Apple Maitri Hospital. उनका बहुत ही ज्यादा एक्टिव इंटरेस्ट है neonatal और पीडियाट्रिक, जो बच्चों में डिजीज होते हैं उसमें उनकी बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट वो धराते हैं। और उसके साथ में वो पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं कि बच्चों को डिजीज बाय मींस न्यूट्रिशन कैसे देना चाहिए, तो वो बहुत ही डीपली इंटरेस्ट धराते हैं। तो आज हम उनका वेलकम करेंगे और उन्हीं की जर्नी पहले हम उनके पास से सुनना चाहेंगे। सो लेट्स वेलकम हिम टुडे। वेलकम डॉक्टर अपूर्व शाह एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद न्यूट्रिबल फूड्स। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिधि मैम टू इंट्रोड्यूस मी। मैं एक्चुअली मेरा MBBS बीजे मेडिकल कॉलेज से हुआ है, उसके बाद मैंने पीडियाट्रिक्स NHL मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से किया, उसके बाद मैंने परसों किया NNF से फेलोशिप की डिग्री, दैट इज अ फेलोशिप इन न्यूरोनेटोलॉजी, वो मैंने NNF दिल्ली से किया। उसके बाद आई परस्यू PGPN डिग्री 2, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, एंड बाद में तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स किए। लेकिन माय पर्सनल इंटरेस्ट वही रहा है अभी से कि जो नियोनेट्स होते हैं, आई एम इन अ नियोनेटोलॉजी फील्ड, सो जो नियोनेट्स रहते हैं उनको मिनिमम हैंडलिंग के साथ, मैक्सिमम मॉनिटरिंग के साथ हम कैसे जल्दी बाहर लाए और उसको सिक से हेल्दी बनाए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, नियोनेटल न्यूट्रिशन इज माई ऑल्सो गोल कि जिससे बच्चा जन्म से ही अच्छे से वो डेवलप हो, हेल्दी डेवलप हो, वो मेरा एक गोल रहा है। आई टोटली प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग इन एवरी टाइम पेरेंट फेस टू मी। मैं कभी भी पाउडर मिल्क, फॉर्मूला मिल्क की काउ मिल्क, थैली का मिल्क वो प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ। मैं सोसाइटी को यही संदेश पहुंचाता हूँ कि ब्रेस्ट इज द बेस्ट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड मिल्क फॉर इन्फेंट्स। उसके बाद इन्फेंटाइल एज के बाद हम रेगुलरली स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड, ये पर्पस ये रहता है कि ये एक ब्रिज है, मतलब कि 6 मंथ टू 2 इयर्स वो एक ब्रिज है। वो ब्रिज अगर हमने नहीं समझा और वो ब्रिज में हमने गलतियां कर दी तो जो एनर्जी एंड कैलोरी उसको चाहिए, प्रोटीन्स जो चाहिए, वो ब्रिज से कंपेंसेट नहीं होती है। तो दैट्स वाई द That name is coming, that ki winning food. First of all, मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि that is by means not a winning food, that is a complementary food. तो ये चीज में क्या difference है, winning food and complementary food. तो winning food तो नाम ही बताता है कि एक चीज छोड़ना और दूसरा चीज स्टार्ट करना, ये विनिंग फूड का हमारा, हम ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, दैट्स वाई इट इज, जो भी हम फूड 6 महीने के बाद दे रहे हैं तो उसको हम विनिंग फूड पहले तो नहीं बोलते, उसको हम कम्प्लीमेंट, मतलब कम्प्लीमेंट करना कि उसको एडेड ऑन, उसको थोड़ा ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो नीड्स है वो पूरी करें, ऐसा फूड हम उसको 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, हम आज अच्छे से बात करेंगे और देखेंगे कि कम्प्लीमेंट्री फूडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे करना है और क्या क्या मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं रेगुलरली जो हम ओपीडी में देखते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच। तो हम सबसे पहले आज वो ही जानना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कॉम्प्लीमेंट्री फूड, तो वो क्या है और क्यों वो 6 मंथ से ही स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री फूड इज अ सॉलिड और आइदर सेमी सॉलिड फूड जो हम इन्फेंट के डाइट में इंक्लूड करते हैं। 6 महीने तक हम बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाते हैं, मतलब की ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा ऊपर का पानी भी नहीं ही पिलाते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू करते हैं, उसके अलावा ये चीज हम चालू करते हैं, ऊपर का फूड चालू करते हैं, उसको हम कम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। क्योंकि ये इसलिए चालू करना पड़ता है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी डिमांड बढ़ती है, जो मदर का मिल्क होता है वो उसकी डिमांड को सप्लाई नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस कम्प्लीमेंट्री फूड फॉर द न्यूट्रिएंट
एंड उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयन है, जिंक है, सारे विटामिन है ना, तो वो मदर मिल्क से हमको डेफिशिएंट रहते हैं, मतलब डेफिशिएंट नहीं, इनएडिक्वेट अमाउंट रहती है, तो वो चीज हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा हम वो एक ब्रिज, मैंने बोला कि वो ब्रिज कैसे है कि व्हाट इज अवर फाइनल गोल, फाइनल गोल तो वही है कि बच्चा जब 2 साल का हो तब पूरा जो हम घर पे खा रहे हैं वैसा खाना सीख जाए, उसके टेंट्रम्स कम दिखे और बच्चा अच्छे से फैमिली फूड एक्सेप्ट करना सीख जाए, वो हमारा एक गोल है। तो वो गोल को कैसे आगे बढ़ जाना है, वो कैसे करना है, वो विनिंग फूड में हम करवाते हैं। ठीक है, तो 6 महीने पे इसलिए करवाते हैं कि उसका एक तो नीड्स ज्यादा है, वो नीड्स मदर मिल्क कंप्लीट नहीं कर सकता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस फ्रॉम द 6 मंथ ऑनवर्ड्स। ओके, और हम वही जानना चाहेंगे कि काफी मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है और फॉर्मूला मिल्क बच्चे लेते नहीं है, काफी ऐसी मदर्स की डेली बेसिस पे मैं पूछूंगी आपको कि हमें क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ब्रेस्ट मिल्क आता है नहीं, फॉर्मूला मिल्क बच्चे लेते नहीं है, तो हम करें क्या? तो हमारा वही आंसर रहता है कि 6 मंथ से पहले अगर जो भी है यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। Yes, definitely. पर गूगल को देख के, या तो हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, देर आर लाइक गूगल इज द डॉक्टर, न्यू पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो 4 मंथ्स के बच्चों को भी वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो वही सबसे ज्यादा मैं पूछना चाहूंगी कि अगर 6 मंथ से पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं तो बच्चे पर क्या असर होती है, बच्चे के किडनी पर क्या असर होती है? बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेज है, डेवलपमेंट इज आल्सो लिंक्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक है, जब बच्चा बैठने लगता है तब उसके हेड एंड नेक्स के मसल स्ट्रांग होते हैं, जब हेड के और नेक के मसल स्ट्रांग होते हैं तभी वो बच्चा स्वेलो करने का, उसको निगलने का, मतलब कि उसको नीचे उतारने का, कई बार बच्चा जो हम छोटा बच्चा होता है हम उसको मुंह में भूल से भी कोई चीज चली गई तो वो थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट करके बाहर निकाल देता है, टंग थ्रस्ट करता है वो बाहर निकलता है, वो नेचुरल रिफ्लेक्स है उसकी, तो वो रिफ्लेक्स जानी चाहिए पहले, बाद में ही वो फूड एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये सब कुछ चीज एज के हिसाब से लिंक्ड है, जैसे हम कोई भी बच्चे को बोलते हैं ना कि वो चलना और बैठना खुद ही सीखेगा, हम 6 महीने के बच्चे को हम चलाना चालू कर देंगे कि भाई अब तो तू दौड़ने लग, अभी तो तू चलने लग, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज डेवलपमेंट के साथ भी लिंक है, ये एक पूरा साइकिल है, एक चक्र है जो जो ये साइंटिफिक एविडेंस है कि 6 महीने दैट इज द आइडियल टाइम कि बच्चा सीट विद सपोर्ट, नहीं तो सीट विदाउट सपोर्ट आ जाता है, उसका हेड एंड नेक का बैलेंस कम्प्लीटली आ जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग पावर वो भी अच्छा होता है कि जो आजू बाजू का फूड देखता है उससे उसका फूड प्रेफरेंस उसको पता चलता है, स्मेल और टेस्ट जो डेवलप होने चाहिए जो टाइम पे, वो टाइम भी यही 6 मंथ है जहाँ पे उसका टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं और स्मेल्स डेवलप होती है, उसका ईगरनेस जो बच्चा आजू बाजू के एनवायरमेंट में मदर फादर पेरेंट्स जो भी खाते हैं वो उसका टेक्सचर, जो खाता है फूड उसका टेक्सचर पता चलता है, टेस्ट पता चलता है, ये सब कुछ चीजें डेवलप होती है 6 मंथ पे। दैट्स व्हाई वी स्टिक टू द गाइडलाइन जो WHO है कि IAP है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, WHO है, इस्फाउगन गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइंस ऐसी बताती है कि वी नीड टू इंट्रोड्यूस सेमी सॉलिड और सॉलिड ओनली आफ्टर द 6 मंथ कंप्लीटेड, नॉट 6 मंथ स्टार्टिंग, वो भी हमको हाँ उसका जो ओरल कैविटी है और जो स्टमक का पोर्शन है कि जो इसोफेगस है वो फिजियोलॉजिकली डेवलप नहीं है लेकिन स्ट्रक्चरली डेवलप है, स्ट्रक्चरली वो डेवलप हो चुका है उसको वो नीचे स्वेलो करने के लिए, लेकिन फिजियोलॉजिकली डेवलप नहीं है, दैट्स व्हाई वी नीड टू वेट फॉर द 6 मंथ। अगर आप बोलते हैं 6 मंथ के पहले ऐसा हुआ तो क्या करना है, तो बेस्ट आई वुड से कि फर्स्ट इज मदर मिल्क, मदर के माल, सेकेंड चॉइस है डोनेटेड मदर मिल्क, जो गवर्नमेंट में अभी मिल्क बैंक स्टार्ट हुई है वहां से हमको डोनेशन मिलता है, तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, और हम मदर को भी प्रमोट करना चाहिए कि अगर किसी मदर को ज्यादा मदर आता है फीडिंग आता है वो डोनेट करके उसका प्रॉपरली प्रोसेस करके
जो पास्चराइज ह्यूमन मिल्कमैन से जो मिल्क आता है वो भी हम उसको दे सकते हैं सेकंड चॉइस. थर्ड चॉइस विल बी द पाउडर फॉर्मूला मिल्क जो भी बाजार में अवेलेबल है, दैट टू बी इन अ ब्रांडेड, कोई भी चीला चलू पाउडर में नहीं फंसना चाहिए. और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अमूल ताजा की ऐसा मिल्क कि हमको जरूरत पड़े, कोई उसको फाइनेंशियली तकलीफ है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं करता कर पाता है तो वी नीड टू सी द पॉकेट्स ऑफ द पेशेंट टू. तो हमको लेकिन कंसेप्ट इज दैट कि तब तक हमको लिक्विड फूड ही देना है, उसके बाद ही हम उसको चालू करेंगे. कई बार जरूरत पड़ती है तो हम मल्टीविटामिन का सपोर्ट्स लेते हैं, उसमें एसएमसीटी ऑयल, जो एमसीटी ऑयल आता है जो वेट गेन के लिए इम्पोर्टेंट है वो डालते हैं, उसमें प्रोटीन पाउडर जो एचएमएफ सच्चे आते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, जिससे उसकी प्रोटीन कैलोरी की रिक्वायरमेंट हम मीट कर पाए. अगर वो बाहर का दूध पी रहा है तो मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी थ्री वो हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये सब कुछ चीज हम सप्लीमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते इस चीज़. तो मिल्क इज द फर्स्ट चीज वो हमको देना ही है. जरूर लगे तो ये चीज हम पीडियाट्रिशियन डिसाइड करते हैं बच्चे की नीड्स के आधार पे कि उसको कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है. हम ये 6 महीने तक वेटिंग करते हैं, उसके बाद ही हम सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड के स्टेजेस क्या होते हैं? ओके, जनरली हमको एक ब्रिज है, वो ब्रिज को लिंक करना है. व्हाट इज द ब्रिज? 6 मंथ टू 2 इयर्स. ठीक है, तो 6 महीने से 2 साल में काफी सारी चीजें बदलती है, डेवलपमेंट होता है उसका. तो डेवलपमेंट के हिसाब से उसका टेस्ट, टेक्सचर, उसकी समझने की कैपेसिटी, वो सबके हिसाब से हमको स्टेज वाइज उसको डेवलप करना है. ठीक है, तो हम फर्स्ट एट द स्टार्टिंग हम ऐसा ही बोलते हैं कि उसको प्यूरी फॉर्म में ही दो, जो सेमी सॉलिड हो, ज्यादा पतला भी नहीं हो, और सेमी सॉलिड हो और एक रस हो, मतलब कि जैसे दही होता है ना, ऐसा कोई भी फ्रूट मैश करके, वेजिटेबल मैश करके उसको प्यूरी फॉर्म में हम देते हैं, तो वो एक स्टार्ट करते हैं. दैट वी कंटिन्यू फॉर 1 एंड 2 मंथ्स. और 2-3 महीने के बाद बच्चे का ईगरनेस बढ़ता है, उसका टेक्सचर, कलर, उसका स्मेल, वो सब कुछ पता चलता है, उसका डिमांड्स पता चलता है कि अब भूख लगी, अब भूख नहीं लगी, उसका टेंट्रम्स चालू होता है. ये सब कुछ की वजह से हम धीरे धीरे उसको सॉलिड फूड के साइड जाते हैं, जिससे उसको हम ग्रेनी फूड देते हैं. मतलब 7 टू 8 मंथ पे हम उसको ग्रेनी फूड स्टार्ट करते हैं, मतलब जो खिचड़ी, दाल राइस, पोहा, उपमा, जो है जो चीज में ग्रेनी चीजें आती है ना, तो वो टेक्सचर पता चलती है मुंह में, वो चीज हम 7 टू 8 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, थिकर टेक्सचर वाला. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कॉम्प्लेक्स वेराइटीज हम कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. पहले हम जो स्टार्ट करते हैं 6 मंथ पे, एक एक चीज चालू करते हैं कि आज बनाना दिया तो 3-4 दिन तक बनाना दिया, उसके बाद पोटेटो का प्यूरी दिया तो पोटेटो का प्यूरी दिया, मतलब कि हम एक एक चीज हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, हर एक चीज को हम कंबाइन नहीं करते. उसके बाद 7-8 मंथ में हम उसको कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब दाल राइस दिया, वो कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं. उसके बाद 9 से 10 महीने पे हम उसको फिंगर फूड स्टार्ट करवाते हैं, जिससे उसका जो फिंगर टू माउथ मूवमेंट है वो भी डेवलप हो, और सेल्फ फीडिंग जो हमको 1 साल पे उसको डेवलप करवाना है, वो भी सेल्फ फीडिंग डिसिप्लिन भी उसकी डेवलप हो. तो हम उसको फोर्स नहीं करते हैं, उसको जो एक थाली में परोस के दे देते हैं, उसको जो पसंद आता है, उसको जो ऑप्शन पसंद आता है वो खुद से मांगता है. उसमें क्या क्या चीज दे सकते हैं कि सारे कट फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स जो वेल कुक बफे हुए हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ, अगर नॉनवेज खाते हैं तो मीट और फिश, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन ये चीज भी हम दे सकते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट दैट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द 8 to 9 मंथ. जब 12 महीने का बच्चा होता है तब उसको हम फैमिली फूड इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारे घर में जो रोटी, सब्जी, दाल, राइस, मतलब सारी वेराइटीज ऑफ फूड हम उसको स्टार्ट करते हैं. सो जो उसका टेक्सचर है, उसका स्मेल है, उसका फ्लेवर है, वो बच्चा एडप्ट होना स्टार्ट कर दे. और फाइनल गोल तो हमारा वही रहता है कि वो इंडिपेंडेंट बैठ के फैमिली पोर्ट हो, जो फैमिली में हम साथ में बैठ के खाते हैं, तो वो इस खुद से अपना फूड चूज करे और खाए. फूड, ये जो भी मैंने प्रोसेस बताई उसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है कि फूड एज अ रिवॉर्ड एंड फूड एज अ पनिशमेंट हमको कभी ट्रीट नहीं करना है. ये मैं इम्पोर्टेंटली इसलिए बताता हूँ कि कई बार पेरेंट्स क्या भूल कर देते हैं कि बेटा ये खा ले
तो मैं तुमको मोबाइल दिखाऊंगा, ये खा ले तो मैं तुमको आइसक्रीम दूंगा, ये खा ले तो चॉकलेट दूंगा, ये खा ले तो घुमाने ले जाऊंगा। ये हमको लगता है कि वो सुन नहीं रहा है, कि नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो सुन रहा है, उसकी ये सारी इंद्रिया है वो काम कर रही है, ही इज थिंकिंग, वो पता चल रहा है उसको। तो पिकी ईटर नहीं बनाना है हमको आगे जाके, ये चीज का हमको पहले से ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, फूड एज अ पनिशमेंट, ये नहीं खाया गया तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, ये नहीं खाएगा तो डाकू आ जाएगा, ये सब कुछ चीज भी हमको नहीं करवाना है, ठीक है। हमको रिस्पॉन्सिव फीडिंग करवाना है, दैट इज द वर्ड रिस्पॉन्सिव फीडिंग, बच्चा मांग रहा है हम दे रहे हैं। ऑन डिमांड फीडिंग करवाना है, कभी भी जबरदस्ती पे उसने डाला, ऐसा करते हैं तो उसका बाद में जीत बढ़ती है, और फूड के प्रति जो लगाव होना चाहिए, उसका जो लव होना चाहिए, वो लव नहीं रहता है, बाद में वो फूड को हेट करता है और वो पिकी ईटर होता है, और बाद में जो इजी टू गेट द कैलोरीज वाला फूड जो रहता है, दैट इज बिस्किट, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुरकुरे, वो सब कुछ चीज से पैकेट फूड सारे वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हैं। और मदर फादर को भी ऐसा होता है कि वो जॉब पे है, ये दे दिया, काम हो गया अभी, लेकिन उससे न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं मिलता है, ये चीज को हमको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगी कि डेली बेसिस पे हमेशा मदर्स की कंप्लेंट रहती है कि मैम बच्चे नहीं खा रहे हैं। अब जब हम एक्सप्लेन करते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम जनरली बोलते हैं कि जब विनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग की कंसिस्टेंसी में ही हमें वाटरी टेक्सचर देना है, बाद में 8 to 10 months में, जैसे सर आपने बताया कि सेमी सॉलिड होना चाहिए, 10 months के बाद फिंगर फूड, 9 months से हम स्टार्ट करते हैं, आफ्टर 10 months वी कैन गिव सॉफ्ट इडली और स्मॉल स्मॉल चिल्ला और व्हाटएवर इट मे बी। तो हम जब सजेस्ट करते हैं तो दे आर लाइक कि मैम बच्चे नहीं खाते हैं, तो उसके बाद हम मैश करके ही दे देते हैं। तो मेरा बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा मॉम्स को ये आंसर रहता है कि बच्चे सीखकर नहीं आए। अगर 2-3 दिन बच्चा नहीं खा रहा है या पहले दिन ही बच्चा नहीं खा रहा है और आप में वो पेशेंस नहीं है, आपने कितने दिन खिलाया, वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। Yes. तो आंसर सामने ऐसा आता है कि मैम आज ही मैंने खिलाया और बच्चे ने नहीं खाया। तो मेरा आंसर रहता है कि बच्चे सीखकर नहीं आते हैं, हम भी खुद सीख के नहीं आए होते हैं, तो बच्चे को हमें भी टाइम देना पड़ता है, बच्चे को एडजस्ट हो पाए बच्चे उतना टाइम, एटलीस्ट हमें 5 से 7 दिन का टाइम देना पड़ता है। और एक दिन बच्चा एक फूड नहीं खाता है तो दूसरे दिन सेम फूड हमें रिपीट नहीं करना है, दूसरे दिन दूसरा फूड दो, 2-3 दिन के बाद वापस से वही फूड आप कुछ और कॉम्बिनेशन में ट्राई करिए, तो ऐसे बच्चा खाएगा। बट दिस इज माय ओपिनियन, तो एज अ डॉक्टर आप क्या शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स के साथ? सेम जैसे आपके पास आते हैं वैसे ही पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ, एक तो उसकी पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन तो नहीं है, मतलब बच्चा सीक है, बच्चा कोई डेफिशिएंट है सीरियसली, कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी वो पहले से ही होती है, वो पेरेंट्स को पता नहीं रहता, तभी जाके बच्चा जिद्दी होता है, ठीक है। तो वो हमको उसको सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो ओनली 30% ऑफ द पेशेंट में हमको दिखने मिला, 70% ऑफ द पेशेंट और पेरेंट्स में साइकोलॉजिकल इश्यू जो आपने बताया वही ज्यादा रहता है, कि हमको खाली काउंसलिंग ही ज्यादा करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग से वो बच्चा खाना स्टार्ट कर लेता है। तो आपने बताया कि हमको जिद उसकी है तो उसको हम उसको हमारी जिद भी नहीं रखनी है कि भाई खा ही ले तो, ठीक है। तो हमको उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग मैंने पहले भी बताया कि रिस्पॉन्सिव फीडिंग इज द की, आज नहीं खाया तो फिर से ऑफर करो, नेक्स्ट टाइम ऑफर करो, मल्टीपल टाइम्स ऑफर करो वही चीज, ठीक है। शायद वो पसंद नहीं आया तो उसमें थोड़ा टेक्सचर चेंज करो, उसमें पसंद नहीं आया तो उसमें थोड़ा जो हम कंडीमेंट्स डाल सकते हैं, मतलब मसाले डाल सकते हैं, वो थोड़े मसाले यूज करो जिसमें हम शुगर और सॉल्ट अवॉइड करते हैं, लेकिन दूसरा हींग है, मरी है, जो अजमा है, ये हल्दी है, वो सब कुछ चीजें थोड़ा मिक्स करके उसका थोड़ा टेस्ट, कलर, टेक्सचर थोड़ा चेंज करके वही चीज हम उसको दें तो वो बच्चा एक्सेप्ट करने लगता है। कई बार हम वो भी देखते हैं कि जस्ट टू स्टार्ट हम थोड़ा लो लो लो
एकदम लो डोज पे हम उसका आयरन स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए, तभी बच्चा फूड एक्सेप्टेंस बढ़ता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फर्स्ट साइन है कि एनोरेक्सिया, मतलब बच्चे को भूख नहीं लगना, आजू बाजू इंटरेस्ट नहीं रखना, है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वो बहुत प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, जो हमको पता ही नहीं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन 11-12 होना चाहिए, 12 से अब वो तो दैट इज मोर डिजायरेबल, 11-12 को भी माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। 10 मैंने जो भी पेशेंट देख रहा हूँ मेजोरिटी उसके हीमोग्लोबिन 9-10-7 कई बार तो 6-6 के 7 आते हैं, तो उसको पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो डेफिशिएंसी पिकअप पीडियाट्रिशियन ही करेगा, उसको ट्रीट करेंगे साइमल्टेनियसली, उसके साथ हम एडवाइस भी देंगे और आप भी एडवाइस दोगे कि हमको यही चीज करनी है, हमको पोस्ट कभी नहीं डालना है, हमको जस्ट ऑफर करना है मल्टीपल टाइम, उसको डिफरेंट वे में ऑफर करना है, उसको जो प्लेजेंट एनवायरमेंट पसंद है, जो टॉयज पसंद है उसके साथ उसको बिठा के खिलाना है। जो कई बार क्या होता है कि बच्चे की गलती नहीं होती, पेरेंट्स की गलती नहीं होती, एनवायरमेंट की गलती होती है कि कौन से एनवायरमेंट में आप बैठे, घर में झगड़ा हुआ है उसके बाद तुरंत ही खाना चिलो किया, ठीक है, तो वो नहीं खाएगा, उसको भी पता है कि ये सब कुछ चीज क्या हो रही है ना। तो ये सब कुछ चीज बहुत इम्पोर्टेंट। Yes, yes. तो what are the signs to start weaning? जब start करते हैं तो उसके पहले की signs क्या रहती है? Okay, मैंने पहले भी बताया कि ये 6 month पे हम start करते हैं। That all depend on the development. Development के साथ ये पूरा link है process. जब बच्चे का sit with support आता है, then we start the हम उसको weaning food start करते हैं। तब पहली साइन है सिट विद सपोर्ट, अगर बच्चे का आ रहा है 6 महीने पे तो हमको स्टार्ट करना है। उसकी हेड एंड नेक का जो कंट्रोल है और मसल्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, दैट्स व्हाई। दूसरा है इंटरेस्ट इन फूड, मतलब कि हर एक जो फूड हम घर पे खा रहे हैं वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा है, वो देख रहा है ये लोग चीज खा रहे हैं, है ना। तो कई बार वो सामने से आके मांगता है, हम उसको खिलाते हैं तो उसका च्यूइंग का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कई बार ओपन द माउथ, मतलब कि कोई चीज को देख के उसका वो देखते रहता है और माउथ ओपन करता है, ये सब कुछ चीज साइन है। दूसरा मैंने पहले भी बताया कि लॉस ऑफ टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, जब बच्चा छोटा होता है तब ये भगवान ने डाली हुई एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि कोई भी सेमी सॉलिड फूड मुंह के अंदर जाएगा तो वॉक करके बाहर निकाल देगा, वो नेचुरली भगवान ने डाला है। लेकिन ये 6 महीने पे उसका ये रिफ्लेक्स चली जाती है, नेचुरली चली जाती है, तो इसके बाद उसका एक्सेप्टेंस स्टार्ट होता है। बाद में उसका च्यूइंग और गमिंग, जो हम बोलते हैं गमिंग मतलब कि गम के बीच में उसको रख के करना, च्यूइंग मतलब दांत आगे है उसको तो दांत के बीच में उसको पिसोना, ठीक है, ये सब कुछ मैश करने की जो उसकी एबिलिटीज वो उसको खिलाते हैं तब वो डेवलप भी होती है। और वो हुआ डेवलप उससे हमको पता भी चलता है कि नहीं ये स्टार्ट हो गया है, उसको हम सेमी सॉलिड और सॉलिड दे सकते हैं। बाद में उसकी हंगर, कई बार हम ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवाते हैं तो उसको जो कैलोरी चाहिए वो नहीं मिलती तो भूखा भूखा बच्चा रोता है और हंगर क्राई आता है, टेंट्रम्स फेंकता है, तो वो चीज़ को हम भी हमको समझना है कि हंगर इंक्रीज हुई वो भी उसका रिक्वायरमेंट है, ये साइन ऑफ विनिंग है, मतलब ये साइन को हमको पता चलना चाहिए कि ये पॉइंट पे हमको विनिंग फूड स्टार्ट करना है। और दूसरा स्टेडी वेट गेन, वेट गेन भी प्रॉपर से जो बच्चा होता है वो 4-5 महीने में डबल द बर्थ वेट और उसके बाद 500-600 ग्राम का वेट गेन हो जाना चाहिए। 6 महीने पर जब 6 महीने कंप्लीट होता है तब वैक्सीन आता है उसका, उसका फ्लू का टाइफाइड का, मैं दोनों चीज साथ में ही करता हूँ, उसका वैक्सीन भी करता हूँ उसके बाद उसको जो एडवाइस चाहिए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग की वो भी मैं समझाता हूँ। तो जो वेट गेन पैटर्न है वो भी हम देखते हैं, कई बार क्या होता है कि उसका जो ग्राफ है मतलब वेट गेन पैटर्न का ग्राफ है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो भी एक इंडिकेटिव है कि नहीं अभी से नहीं स्टार्ट किया तो आगे प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार पेरेंट्स को समझाने के बावजूद दे स्टार्ट विनिंग फ्रॉम 7-8 मंथ, वो लेट कर देते हैं। कई बार ये एजुकेशन का जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास होता है वो मेजोरिटी इसमें यही दिखा है कि कई बार तो बच्चे को 1-1 साल तक वो खाने की वेडिंग ही चलता है, उसको कुछ ऊपर का ऑफर ही नहीं किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। उनको ग्रोथ चार्ट भी ट्रैक करना है, उसका एक डिमार्केशन करना है कि ये पॉइंट से उसका ग्रोथ फॉल्टरिंग स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट से आइडियली उसका विनिंग फूड स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जो भी मैंने बताया कि एक तो इसका कंट्रोल, बाद में इंटरेस्ट इन द फूड, जॉ मतलब ये थ्रस्ट होता है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, उसका लॉस होना मतलब वो निकल जाना,
बाद में च्यूइंग और गमिंग का एक हमको पता चलता है, हंगर जो इंक्रीज होती है और वेट गेन पैटर्न हम देखते हैं, ये सब कुछ साइंस है जिसके बेसिस पे हम उसको विनिंग फूड कब इंट्रोड्यूस करना है, मतलब 6 मंथ पे ही, लेकिन ये साइंस सब ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस विनिंग एट द 6 मंथ एज। यस, तो हम जब कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहले कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए? ओके, तो उसमें तो क्या है कि टाइमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमको कब से स्टार्ट करना है, मैंने पहले भी बताया 6 मंथ पे स्टार्ट करना है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, दैट्स व्हाई। बाद में जो मैंने टेक्सचर और उसका जो प्रॉपर वे बताया कि हम कौन से स्टेज पे चालू करते हैं, मतलब फर्स्ट 1 to 2 मंथ हम ओनली ग्राइंड और क्रस्ट ऐसा फूड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा ग्रेनी फूड स्टार्ट करेंगे, बाद में फिंगर फूड स्टार्ट करेंगे, मतलब ये चीज, मतलब उसका टेक्सचर के ऊपर हमको एक फोकस करना है। बाद में तीसरा है वेराइटी, वेराइटी मतलब कि हम एक ही फूड ग्रुप में से उसको हर बार ऑफर करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स जो नहीं मिल रहे उसका डेफिशिएंसी होगा। तो 5 फूड ग्रुप है हमारे, उसके ग्रेन्स है, पल्सिस मतलब सारे कठोल है, ग्रेन्स मतलब सारे अनाज है, मतलब मिल्क एंड मिल्क की प्रोडक्ट्स, मिल्क में हम मदर मिल्क ही कंटिन्यू करते हैं, 6 मंथ के बाद भी हम एनिमल मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं जब तक वो 1 ईयर का नहीं हो, 1 ईयर के बाद ही हम एनिमल मिल्क अलाउ करने का बोलते हैं। और मिल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अलाउ कर सकते हैं, मतलब दही, छाछ, मक्खन, चीज, पनीर, वो स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग टू वरी, मतलब वेराइटी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये चीज, मतलब 5 फूड ग्रुप हम वेराइटी में कॉम्बो करके हम उसको देते हैं। स्टार्ट विद मोनो, मतलब कोई एक चीज का ही हम बार बार इंट्रोड्यूस करो, वेजिटेबल प्यूरी दिया, बाद में फ्रूट का जूस दिया, मतलब ऐसा करके हम स्टार्ट करते हैं, बाद में उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और धीरे धीरे करके जो मैंने पहले बताया, ठीक है, तो वेराइटी। बाद में सेफ्टी कंसर्न भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि चॉकिंग हैज़र्ड नहीं हो, ऐसे फूड हमको इंट्रोड्यूस करना है जिससे एज अप्रोप्रिएट कुक थॉरली कुक्ड फूड हो, वो ही हमको इंट्रोड्यूस करना है, जो पीज होते हैं, बाद में कोई भी सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, नट्स रहते हैं, वो सब कुछ चीज हमको आजू बाजू भी नहीं रखना है, अगर वो उठा के खा लिया तो वो एक्सीडेंटल चॉकिंग करवा सकता है, बच्चे को इमरजेंसी में ला सकता है, तो वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमको एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि एट दिस एज बेबीज आर मच मोर क्यूरियस अबाउट फूड, वो उसको टेक्सचर पता चलने लगता है उसको, तो वो कोई भी चीज को ग्रैब करना स्टार्ट हो जाता है, फिंगर टू माउथ मूवमेंट उसका स्टार्ट हो जाना चाहता, तो ये चीज हमको सेफ्टी कंसर्न में हमको ध्यान रखना है। बाद में मैंने बोला कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या चीज है कि हम कई बार स्टार्ट करते हैं तब उसका लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड नहीं होना चाहिए, कई बार ग्रैंड मदर्स वो बोलते हैं कि दादी नानी बोलती है कि नहीं भात का पानी चालू किया, दाल का पानी चालू किया, ये सबको तो चालू कर दिया, लेकिन उससे एनर्जी और कैलोरी और प्रोटीन जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो कंसिस्टेंसी दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, हमको जो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ठीक चीज देनी है। हाँ, बाद में उसके क्यूज, मतलब कि बच्चों को क्या लाइकिंग्स है, कौन सा डिसलाइकिंग है, हम इससे रिस्पॉन्सिव फीडिंग करवाते हैं, वो चीज, मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमको एक चीज ध्यान रखना है। बाद में एलर्जन, मतलब कोई भी चीज जो उसके लिए एलर्जी करवा सकती है, ऐसी चीजों में क्या क्या चीज आती है, पीनट्स आते हैं, एग्स आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आती है, वीट आता है, सोए, फिश, शेलफिश, ये सब कुछ चीजें कई बार एलर्जन के रूप में वो बच्चे को चली जाती है, पता नहीं चलता है, तो ये चीज हमको कंबाइनली नहीं देनी, एक टाइम पे एक ही चीज देना है, मतलब 9 महीने से हमने एग स्टार्ट किया, रूटीन एज टू स्टार्ट एग इज 9 मंथ पे हमने एग स्टार्ट किया, तो 5-6 दिन हम उसको एग ही देंगे, एग के साथ हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिलाएंगे जिससे हमको पता चले कि नहीं उसको एलर्जी हुई तो किससे हुई, अगर एग के साथ हमने फिश दिया वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हर एक एलर्जन वाली चीज है, पीनट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट है, वो सब कुछ अलग अलग तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तीसरा है उसके बाद हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बच्चों को पानी पिलाना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पानी से उसका पेट फुल हो जाए इतना तक पानी नहीं पिलाना, जस्ट टू डाइजेस्ट द फिजिकल फूड और उसका नीड जो तरस लगती है वो नीड कंप्लीट हो उतना ही पानी पिलाना। मैं बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट 9 महीने तक 9 महीने तक पानी नहीं पिलाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो हम दे रहे हैं उसमें से ही उसको 70% वाटर मिल ही जाता है,
ठीक है, तो आफ्टर फूड जो सेमी सॉलिड कोई सॉलिड फूड दिया उसके बाद तुरंत ही उसको ब्रेस्टफीड करवाना है तो करवा सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन डायरेक्ट पानी ऑफर करना मत स्टार्ट कर लो, ठीक है। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय ब्रेस्ट फीडिंग। बाद में पेशेंस एंड एनकरेजमेंट, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने भी बताया कि कई बार पेरेंट्स इम्पेशेंट होता है, मतलब कि अभी नहीं खाया तो कभी नहीं खाएगा, अभी तो खाना ही चाहिए, वो नहीं करना, वो उसका टाइम आएगा सब कुछ खाएगा, हमको पेशेंस रहना है और बच्चों को एनकरेज करना है, वो चीज में हमको देखना है। ये सब कुछ मैंने जो पॉइंट्स बताए, तो इस चीज को मैं फिर से रिवाइज करूँ तो उसमें टाइमिंग है, स्लोली स्टार्ट करना है, उसकी वेराइटी मतलब कौन कौन से फूड हमको पसंद करने हैं, उसका सेफ्टी मेजर्स में क्या ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी में क्या ध्यान रखना है, क्यूज उसके कैसे होना चाहिए, मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सारे मैंने बोलता है, एलर्जन के बारे में मैंने बताया, हाइड्रेशन के बारे में बताया, और एंकरेजमेंट मतलब ऑलवेज रिस्पॉन्सिव फीडिंग करना है, ये सब कुछ चीज का हमको ध्यान रखना है। Yes. तो जैसे आपने बोला कि बच्चों को एलर्जी की हम बात करते हैं, काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री फूड जब स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन से प्रॉब्लम्स में आपने एलर्जी और वो सब बताया, बट खास करके जब लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात आती है तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेस फॉर पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और वो ब्रेस्ट मिल्क देते हैं या तो फॉर्मूला मिल्क वो ही कंटिन्यू करते जाते हैं और सिम्टम्स कुछ पता नहीं चलता है, तो वो टाइम पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? लैक्टोज इंटॉलरेंस एक टर्म है, उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो एक तो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है, जनरली लाखों में एक बच्चे को प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? जो एंजाइम लैक्टेज करके जो एंजाइम होता है जो हमारे गट में रहता है वो नहीं है, वो एब्सेंट है, तब उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। वो प्राइमरी एब्सेंट होना वो वेरी रेयर है, मैंने आज तक मेरी प्रैक्टिस में प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पेशेंट नहीं देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम पेशेंट देखते हैं उसको हम सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, मतलब कि वो बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस होने के पहले कभी उसको वॉमिटिंग, डायरिया, जीआई के सिम्टम्स हुए होंगे, उसकी वजह से उसको जो जो गट की लाइनिंग है मतलब उसकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, जो ब्रशिंग लाइनिंग है, वो उसमें डिस्टर्बेंस आता है, उसके बैक्टीरियल फ्लोराज जो होते हैं अंदर, नेचुरल हमारे नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, वो फ्लोरा डिमिनिश होता है, तब जाके लैक्टेज एंजाइम भी डिमिनिश होता है, वो निकल जाता है शरीर में से, ठीक है। तो लैक्टोज जो एक ग्लूकोज का फॉर्म है, मतलब एक शर्करा शुगर का फॉर्म है, वो डाइजेस्ट करने में उसको तकलीफ होती है, वो चीज हमको कैसे पता चलेगा कि फ्लक्चुएंस मतलब इनडाइजेशन, बच्चे को गैस का ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, वॉमिटिंग करता रहेगा, डायरिया होगा, तो जो स्टूल एरिया होता है मतलब संडास का जो पोर्शन होता है, एनल कैनल का जो पोर्शन होता है, वहाँ पे रेडनेस दिखने मिलेगी हमको कि वहाँ पे उसकी स्किन इरोजन हो चुकी है, ये सब कुछ चीज से हमको पता चलता है। और रिसेंट हिस्ट्री ऑफ जीई मतलब गैस्ट्रोएंटेराइटिस की रिसेंट हिस्ट्री होती है, और क्रॉनिक डायरिया मतलब की अनट्रीटेड अनऑब्जर्व्ड कई बार डायरिया होने लगता है, ठीक है, जिसका कोई हमको पहलू नहीं मिलता है, वो चीज में हम लैक्टोज इंटॉलरेंस को हम बोलते हैं कि ये हो सकता है। उसके बाद उसको हम फॉर्मूला मिल्क चेंज करते हैं, मदर का मिल्क चालू है, मदर के मिल्क में भी लैक्टोज रहता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टॉप दैट मदर मिल्क टू फॉर 4 to 6 weeks, मतलब 1 to 1.5 महीने तक हम उसको स्टॉप करते हैं टेम्पररली। लैक्टोज जब डेफिशिएंट, लैक्टेज जब डेफिशिएंट रहता है तब थोड़ा लैक्टोज तो चाहिए, तो वो हम जो भी फॉर्मूला है उसमें आइदर थोड़ा लैक्टोज रहेगा तो भी चलेगा, और जीरो लैक्टेज रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये कंसेप्ट है ना बहुत एडवांस कंसेप्ट है, कि जो बाजार में फॉर्मूला मिलती है कि जो जिसमें लैक्टोज कंटेंट जीरो है, तो वो फूड का कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए वो कहाँ से आ रहा है? वो माल्टोडेक्सट्रिन और सोय बेस्ड फूड से आता है। माल्टोडेक्सट्रिन इज फाइन, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सोय बेस्ड फीडिंग जो होता है वो टोटली हम अवॉइड करते हैं फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, 6 महीने तक तो ऑलमोस्ट अवॉइड ही करना है सोय में, कोई भी मिल्क है उसको अवॉइड करना। उसके बाद 6 महीने के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लो लैक्टोज कंटेनिंग फूड, है ना, तो हम जो विनिंग वाले फूड है सारे
वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सारे व्हीट फ्लोर, सारे जो चीज है वो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज मिलता है तो फ्रूट्स हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डायरिया नहीं, डायरिया क्योर हो गया उसके बाद, ठीक है। फ्रूट का जूस अलाउ नहीं करते, फ्रूट डायरेक्टली हम अलाउ करते हैं जिससे उसको फाइबर और न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए वो उसको मिले, ठीक है। और ये चीज एक बार क्योर हो जाती है कि आइदर बाय ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट्स, एक महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, अच्छा है, देन वी री इंट्रोड्यूस द मदर मिल्क और टॉप मिल्क, नहीं तो फॉर्मूला मिल्क, कोई भी जो उसका रूटीन चल रहा था वो हम री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये हुआ एक पहला प्रॉब्लम जो आपने बताया कि प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। तो एक लैक्टोज इंटॉलरेंस इज प्रॉब्लम बट नॉट मेजर प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैं एंकरेज हर एक बार ओपीडी में देखता हूँ वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मैंने पहले बोला 70% ऑफ द पेशेंट इज ओनली हैविंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब बच्चे का रिफ्यूजल, नहीं खाया तो क्या करना है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे का, है ना। तो हमको खाली चेंज करना है टेक्सचर में, नए फ्लेवर्स में उसको चेंज करना है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा मैंने प्रॉब्लम पहले भी बताया, चॉकिंग हैजर्ड, जो नट्स होते हैं, है ना, हार्ड चीजें रहती है वो हमको उसको अलाउ नहीं करना है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको उससे थोड़ा दूर रखना है, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद डाइजेस्टिव इश्यूज, जो मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस बताया वो दैट इज अ वन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव इश्यू, डाइजेशन नहीं होता है तब उसको डायरिया वो सब कुछ होता है, और कई बार एडेप्ट करने में बच्चा टाइम लगाता है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। एलर्जी का प्रॉब्लम भी मैंने बता दिया कि एलर्जी इज वेरी कॉमन, जो हम मिस कर लेते हैं, कई बार हम भी मिस कर लेते हैं और पेरेंट्स भी मिस कर लेते हैं, और जब तक एलर्जी डायग्नोस होते तब तक बहुत लेट हो चुका है। तो कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट का भी कंसल्टेशन, डायटिशियन का कंसल्टेशन एंड पीडियाट्रिशियन का कंसल्टेशन, एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तो तीनों मिला के हमको एक चीज डायग्नोस करके उसको ट्रीट अच्छे से हो, उसके लिए हम उसका फॉर्मुलेट करते हैं, प्लान फॉर्मुलेट करते हैं कि ये बच्चे को इस चीज से एलर्जी है तो क्या क्या चीज हमको प्लान करनी है, वो तीनों हम मिलके हम उसका फॉर्मुलेट करते हैं। मेजर कंसर्न इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कई बार बच्चा खाली पल्सीज एंड लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स खाता रहता है, दाल भात खिचड़ी कड़ी उसको पसंद है लेकिन वेजिटेबल पसंद नहीं है, फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दैट इज अ मेजर कंसर्न। मैंने वो भी पहले बताया कि पैथोलॉजिकल कंडीशन ओनली 30% बेबीज में ही रहती है, वो हमको देखना ही पड़ता है, अगर वो हमको पता चल गया और टाइम पे बच्चा दिखाने आ गया, अर्ली पिकअप हो गया, हम उसको सप्लीमेंट करते हैं वो चीज का, आइदर बाय मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन, आयरन सप्लीमेंटेशन, नहीं तो कोई भी, कई बार हमको इंजेक्टेबल चढ़ाने हैं तो मल्टीविटामिन के इंजेक्शन, ठीक है, वो सब B12 का भी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये सब कुछ सप्लीमेंट्स उसके होते हैं। बाद में डिपेंडेंसी ऑन द स्वीट एंड प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, कई बार बच्चे को हम पहले से बिस्किट स्वीट चीजें वो स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है, दैट इज इजी टू गेन द कैलोरी, और कैलोरीज होती है बाद में स्पाइक आ जाता है ग्लूकोज का, बॉडी इज टोटली सैटिएटी फेज में रहती है, बच्चे को भूख नहीं लगेगी ऐसी फेज में ही रहता है, तो बच्चा जो खाना है वो नहीं खाएगा, जो नहीं खाना है वो ही खाएगा, ठीक है, मतलब की प्रोसेस्ड फूड अगर उसको एक बार चखा दिया आपने, उसको टेस्ट करवा दिया तो उसको वही पसंद आने वाला है, वो एक चीज का हमको ध्यान रखना है। और स्ट्रेस, पेरेंट को स्ट्रेस भी रहता है, जो हम रूटीन ओपीडी में उसको समझाते हैं कि ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं करना है, हमको काम डाउन रखना है, थोड़ा सोचना है कि व्हाट एग्जैक्टली बेबी नीड्स, उसको मल्टीपल ऑप्शंस देने और बार बार ऑप्शंस देने, कई बार ये सब कुछ चीज करने के बावजूद भी उसका वेट गेन पैटर्न जो होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होता है, तो हमको अर्ली पिकअप करना है, वो हम उसका ग्रोथ डेवलपमेंट चार्ट करते हैं उसके हिसाब से हमको पता चलता है, मतलब कई बार बच्चा रिग्रेशन के साइन के साथ आता है कि जो पहले खा रहा था वो अभी नहीं खा रहा है, उसकी जो पहले एबिलिटीज थी वो एबिलिटीज अभी फिर से चली गई, वो भी हम कॉमन प्रॉब्लम में हम गिन सकते हैं, है ना। ये सब कुछ मैंने जो एड्रेस किया वो कॉमन प्रॉब्लम है, वो लेकिन इजिली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, अगर टाइम पे हम इंटरवीन करते हैं वो चीज में तो इजिली ट्रीट हो जाती है। यस, और एक चीज आपने वो भी बताई कि जब बर्थ वेट बच्चे का जो होता है उसका डबल वेट 6 मंथ्स तक होना चाहिए, जो आइडियल बॉडी वेट जो बच्चों का हम बोलते हैं, बट पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन करते हैं कि मेरा बेबी गोलू मोलू क्यों नहीं है मैम, बच्चा मेरा एकदम
जब हम वेट पूछते हैं, बर्थ वेट अगर 2.5 किलो है और 6 मंथ्स कंप्लीट होने तक बेबी का वेट 7 केजी है तो एकदम नॉर्मल वेट कहलाता है, बट फिर भी मुझे मेरा बेबी को मोटा करना है। तो ये चीज आपसे जाननी है कि वेट गेन इज नेसेसरी, बट वेट गेन के साथ साथ हमें बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट पे क्यों ध्यान देना चाहिए, वो भी क्यों इतना जरूरी है, तो ये आज मैं आपसे सुनना चाहूंगी। ओके देखो, आपने पहले भी बता दिया कि ये कंसर्न जो आपके आते हैं वो मेरे पास भी यही पेरेंट्स लेके आते हैं, इसका बच्चा तो इतना होगा। मैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि मेरी 5 फिंगर सेम नहीं है, हर एक की लेंथ डिफरेंट है, वो सब कुछ जो डिपेंड करता है उसके बर्थ वेट के साथ लिंक्ड है। अगर बर्थ वेट 3.5 किलो का है तो वो 7 किलो का बच्चा रहेगा, 7.5-8 किलो का बच्चा जाएगा। अगर वो बच्चा 2.5 किलो का बर्थ हुआ था तो वो 5 से 5.5-6 किलो तक जाएगा। अगर बच्चा 1.5 किलो का डेवलप हुआ है तो उसका वेट उसके हिसाब से ही डेवलप होगा, ठीक है। हाँ। तो जो भी आपका डबल बर्थ वेट होता है वो बर्थ वेट के साथ पहले लिंक है। कई बार वो कंपेयर करने में दूसरे बच्चे का बर्थ वेट याद नहीं रखते पेरेंट्स, समझा, उनको दूसरे बच्चे का बर्थ वेट याद नहीं होता है, उसका अभी का वेट याद है कि वो 7 किलो का होगा, मेरा बच्चा 5 किलो का है, तब मैं जाके पूछता हूँ उनका बर्थ वेट जाके पता करके मेरे को बताना, तब मैं आपका प्रॉपर आंसर दे दूंगा, ठीक है। कई बार वो फॉल्टरिंग भी होता है, कई बार वो प्रॉब्लम भी होता है कि नहीं सही में प्रॉब्लम है तो हमको वो एड्रेस करना होता है। तो ये सब कुछ चीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर बोथ लिंक टू इधर। कई बार हम खाली ग्रोथ के ऊपर कंसर्न करेंगे, बच्चे का डेवलपमेंट ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए कि सीट विद सपोर्ट, और उसका मम्मी और फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, माँ बाप बाबा काका जो बाइसिलेबल वर्ड्स उसके आना, वो सब कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशली वो एंगेज होना, वो सब कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है। तो वो सब कुछ चीज इज दैट मच इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द वेट। दूसरा हाइट एंड हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। बच्चे का हाइट जो है उसका स्केलेटल मसल एंड उसकी बोन्स उसका डेवलपमेंट का बता है। उसका जो हेड सर्कमफेरेंस रहता है मतलब कि जो सिर का नापन हम करते हैं उसके उसका ब्रेन डेवलपमेंट कितना हुआ वो भी पता चलता है। कई बार आपको वो पता चलता है कि बच्चे का वेट प्रॉपरली डेवलप है लेकिन उसका हाइट ले तो बहुत कम है ना। कई बार बच्चे का वेट कम है लेकिन हाइट अच्छा है। तो हर एक का न्यूट्रिशन इम्पैक्ट करता है ये चीज पे, मतलब कि ये एक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक और एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वो सब कुछ चीज हमको देखना पड़ता है। तीसरा जो हेड सर्कमफेरेंस हम देखते हैं उसके उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं वो भी हमको पता करना रहता है। कई बार सप्लीमेंट की जरूरत रहती है तो हम सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन की जरूरत रहती है कि सोनोग्राफी करनी है, MRI करना है, उसके लिए तो हम भी करवाना जरूरी है। तो ओनली ग्रोथ इज नॉट इम्पोर्टेंट, माई पॉइंट इज डेवलपमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम हर एक एक्सपेक्ट में उसको डेवलप कैसे हो रहा है वो चीज हमको देखना। दूसरा आपने जो बताया कि कई बार बच्चा का वजन 7 किलो होने से उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा वो नहीं हम बता सकते, ठीक है। कि कई बार हम बच्चे को 8 किलो 10 किलो का भी आता है बच्चा 6 महीने, अगर उसका हीमोग्लोबिन चेक करें तो 6-7 ऐसा भी मिलता है। तो कई बार हम जो पिकी ईटर्स रहते हैं मतलब कि कैलोरी और प्रोटीन में उसका कंसंट्रेशन है वो कभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो उसको जाने चाहिए वो कभी गए ही नहीं है, ठीक है। तो वो भले छबी हो गए, बच्चे अच्छे लगेंगे दिखने में लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता उस टाइम में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर की रोल फैक्टर फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, तो ये चीज को भी हमको पेरेंट्स को समझाना रहता है। जी बिल्कुल, यस। तो यही जैसे हमारी बात हुई तो वीनिंग फूड कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करने के बाद काफी पेरेंट्स काफी मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देती है कि अब तो बच्चे ने खाना शुरू कर दिया है तो अब ब्रेस्ट मिल्क की क्या जरूरत है। तो वो टाइम पे आप क्या सजेशन दोगे मदर को कि ब्रेस्ट फीड भी क्यों जरूरी है अलॉन्ग विद द कॉम्प्लीमेंट्री फूड। देखो क्या क्या चीज डेवलप हो रही है, पूरा बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ओनली वेट गेन होना कि उसका मल्टीविटामिन्स देना और उससे वजन बढ़ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं एक ही शब्द में बोलना चाहूँगा कि गट ब्रेन एंड इम्यूनिटी तीनों चीज एक दूसरे के साथ लिंक है।
ठीक है, मल्टीविटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन कैलोरी, उससे गट एंड स्केलेटल मसल्स उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन इम्यूनिटी के लिए मम्मी का दूध ही चाहिए, ठीक है। तो जो स्पागन गाइडलाइंस है, जो WHO गाइडलाइंस है, जो IAP गाइडलाइंस है, वो भी ये स्टेटमेंट को बार बार बोलती है कि मदर को अगर मिल्क आ रहा है तो वो बर्थ से 6 महीने तक ओनली मदर में, 6 महीने से 24 महीने मतलब 2 साल का बच्चा हो तब तक वो उसको हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे सकते हैं, मिल्क चालू रख सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट टू गिव मिल्क आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद हम उसको अवॉइड करना बोलते हैं कि अब बंद कर लो, चलेगा। लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर एंड 1.5 साल तक तो हम बोलते ही है कि उसको चालू रखना ही चाहिए, बिकॉज जो इम्यूनोग्लोबुलिंस मिलते हैं, जो IgG IgA, वो जो उसको मदर मिल्क से मिलता है, वो कोई भी फूड से नहीं मिलता। जो उसके बॉन्डिंग होता है मदर के साथ, जो डेवलप होता है, वो मदर मिल्क से ही उसका डेवलपमेंट। दैट इज द फर्स्ट लिंक, दैट इज द फर्स्ट कड़ी जो मम्मी एंड बेबी के बच्चे के कड़ी है ना, वो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। तो उसको हमको फॉरगॉट नहीं करना। 1 ईयर तक बच्चा होता है तब ब्रेस्ट मिल्क तो हम ओनली ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे, मिल्क की अवेजी मतलब हम काउ मिल्क, एनिमल मिल्क, केलिका मिल्क हम अवॉइड करेंगे, उसके वजह खाली ओनली ब्रेस्ट मिल्क देंगे। लेकिन दूसरा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फूड इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मिल्क प्रोडक्ट्स है सारी, मतलब पनीर, चीज, दही, छाछ, घी, वो सारी काउ मिल्क की कि एनिमल बफेलो मिल्क की हो गया तो चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मिल्क में ओनली मदर मिल्क, जिससे उसका मम्मी का बॉन्डिंग रहे, फैमिली बॉन्डिंग रहे और इसकी इम्यूनिटी बनी रहे, और जो जो मतलब उसका आयरन, हम देखें कि आयरन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क वो कम है लेकिन उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी आयन है, मतलब भले वो 2 मिलीग्राम ही है, लेकिन 2 मिलीग्राम तो 2 मिलीग्राम वो एब्जॉर्ब 100% होता है मदर मिल्क से मिलता है तो। लेकिन हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं वही चीज, तो 10 मिलीग्राम में से 4 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा, 6 मिलीग्राम चला जाएगा वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज जो मदर मिल्क प्रोवाइड कर सकती है बायोअवेलेबिलिटी, वो कोई भी फूड उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये चीज पे मैं हर एक मदर्स को मैं गाइड करना चाहूंगा कि 1 ईयर तक ओनली मदर मिल्क, 6 महीने तक ओनली मदर मिल्क, 6 महीने से 1 ईयर तक मदर मिल्क प्लस कम्प्लीमेंट्री फूड, आफ्टर 1 ईयर यू हैव ऑप्शन टू इंट्रोड्यूस अदर मिल्क, दैट इज काउ मिल्क और बफेलो मिल्क। टिल यू कैन कंटिन्यू मदर मिल्क एट सर्टेन टाइम्स इन अ डे और नाइट टिल 2 ईयर्स ऑफ एज, 2 साल के बाद आप बंद करना कर सकते हैं। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करने के लिए बोलते हो मदर्स को, तो सबसे पहले आप वेजिटेबल प्यूरी है, फ्रूट प्यूरी है, या पल्सेस वाटर है, राइस वाटर है, सबसे पहले जो हम वाटर टेक्सचर फर्स्ट 2-3 डेज देखते हैं कि बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं खाना, तो वो टाइम पे सबसे फर्स्ट आप क्या स्टार्ट करने के लिए सजेस्ट करते हैं? कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो वो मैंने बताया कि हम एक ही चीज़ एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या है कि उसका एलर्जी है कि नहीं वो भी पता चले, और उसका कंसिस्टेंसी, उसका टेस्ट, टेक्सचर बच्चों को पसंद आता है कि नहीं आता है वो भी पता चले। फर्स्ट हम बच्चे को इजी टू डाइजेस्ट हो और प्यूरी फॉर्म में हो ऐसा फूड हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, मतलब कि आइदर वो ग्रेन्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, और इधर फ्रूट्स भी हो सकते हैं, मैश्ड फ्रूट्स है, वेजिटेबल की प्यूरी है, और नहीं तो रागी का सीरा है कि खाली राइस है, थोड़ा गीले करके एकदम क्रश किए हुए, ग्राइंड किए हुए राइस के साथ दही दिया, ऐसा चीज हम प्यूरी के फॉर्म में हम स्टार्ट करना चाहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसका इंट्रोडक्शन होता है और हमको पता चल रहा है कि उसको पसंद आ रहा है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बता दें, धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स, मतलब दाल के साथ राइस दिया, उसमें घी भी डाला, मतलब जो फैट का पोर्शन है घी भी डाला, उसमें खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें पालक भी डाला हमने, तो पालक वाली खिचड़ी उसको गई, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, है ना, एक चीज। तो फर्स्ट हम प्यूरी बेस में स्टार्ट करते हैं, बाद में पल्सेस एंड लेग्यूम्स जो होते हैं वो फाइबर में अच्छे हैं, कैलोरी प्रोटीन में भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं बच्चों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो हम आफ्टर 15-20 डेज हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्यूरी फॉर्म में देते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स,
उसके बाद और आइदर ग्रीन मतलब कि जो राइस है उसका हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दाल जो सारी लेंटिल्स है, बीन्स है, चिकपीज है, वो सारी दाल हम स्टार्ट करते हैं वो, और उसके बाद उसका मिक्सर करते हैं एक दूसरे के साथ। वाटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर का कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि वो 9 महीने के बाद ही स्टार्ट करो, वो ज्यादा बेहतर है। अगर उसके पहले बच्चा हमको हम पानी पीते हैं और बच्चे ने देख लिया उसको पानी पसंद तो पिलाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन उससे पेट नहीं भरना चाहिए उसका। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल सेशन। और आप आपकी तरफ से पेरेंट्स मदर्स को स्पेशली, क्योंकि जब बोलते हैं तो ये पेरेंट्स की ही जर्नी होती है, बट ये जो खिलाने की बात आती है तो पापा से ज्यादा हमेशा मदर्स का रोल ज्यादा रहता है कंपैरेटिव। मैं तो फैमिली का ही रोल बोल, फैमिली का ही रोल, दैट्स ट्रू बट काफी बार कई बार ये मम्मी प्रेशर पापा के ऊपर लगाती है, पापा प्रेशर मम्मी के ऊपर लगाते हैं, उनके झगड़े में बच्चा तो वो साइड में रह जाता है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। That is our family goal. हमारा फैमिली है ना, तो हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी शेयर करनी है ना, ये चीज में हर एक पेरेंट्स को होता है। कई बार फूड बनाना भी है ना, तो पेरेंट पापा भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि पापा फूड बना नहीं सकता है, ठीक है। नहीं, पापा सी मदर एंड फादर आर इक्वल नाउ, तो जो मदर कर सकती है वो फादर हैज टू डू। और ये जनरेशन की हम बात करें तो फादर्स करते भी है, अब वो टच वुड, बट वो अब पहले जैसा नहीं है कि वो जो काम होता है वो बांट दिया जाता है कि ये मम्मा का रोल है, ये पापा का रोल है, इट्स नथिंग लाइक दैट नाउ। तो इट्स अ गुड थिंग कि ये चेंजेस आ रहे हैं दिन बर दिन, पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फादर्स आर रेडी टू टेक, तो इट्स अ गुड चेंजेस। तो वही सबसे ज्यादा है कि पहले हम बोलते थे कि मदरहुड इज अ वंडरफुल जर्नी, बट नहीं, हमें बोलना है कि पेरेंटिंग इज अ वंडरफुल जर्नी। तो वही है, तो पेरेंटिंग जर्नी को हमें हेल्दी और स्मूथ दोनों, तो मैं भी ये चीज एंजॉय किया है और काफी सारी चीजें, मैं पीडियाट्रिक्स तो मैंने मेरे बच्चे आए उसके पहले मैंने पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन जब बच्चा आया तब मेरे को असली पीडियाट्रिक्स पता चला कि व्हाट इज पेरेंटिंग और व्हाट रोल वी हैव टू प्ले इन आवर फैमिली, है ना। तो ये चीज बहुत हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम पीडियाट्रिक्स तो बाद में, हम पहले पेरेंट्स है। हम कई बार डॉक्टर्स आर ओवर स्ट्रेस, कई बार वो भी होता है, लेकिन प्रोफेशन इज डिफरेंट थिंग, पेरेंटहुड इज डिफरेंट थिंग, है ना। तो प्रोफेशन और पेरेंटहुड को मिक्स नहीं करना है कभी भी, भले वो डॉक्टर हो, सीईओ हो, कोई भी हो, नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन आवर चाइल्ड। सो इट्स अ बेस्ट पार्ट एंड मोस्ट प्रेशियस थिंग इन आवर लाइफ, डेफिनेटली यस। तो आप आपकी तरफ से पेरेंट्स को क्या एक मैसेज पास करना चाहेंगे? ये जो बात हुई वो पूरा ही मैसेज ही था, एक तो माने दो कि ये एक चीज है कि ये इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है, आइदर एज अ पेरेंट आइदर एज अ चाइल्ड, ठीक है, वो दोनों का इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है। हमारा जो ब्रेन ग्रोथ होता है वो 2 इयर्स तक 95% तक हो जाता है। 2 साल के बाद कई बार पेरेंट्स हमारे साथ आते हैं कि नहीं ये नहीं खा रहा है, वो पीकी ओटर हो गए हैं, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो वो चीज हमको पहले पता होनी चाहिए था। अगर वो हम पहले से उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं, उसको गाइड करते हैं ना, तो वो इजिली सॉर्ट हो जाता है। अगर वो चीज अच्छे से गाइड नहीं हुई, सॉर्टेड आउट नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है। That's why मैं हर एक पेरेंट्स को बोलूंगा कि अर्ली साइंस वो हमको पिकअप करनी है, रेगुलरली पीडियाट्रिशियन एंड डायटिशियन की विजिट करनी है, जिससे हम जो हमारे कंसर्न्स हैं हम खुद में नहीं लेके हम उसके दूसरे को शेयर कर पाए और अच्छे से उसका गाइडेंस ले पाए, वो चीज भी हमारे, और जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और एवरी वन हैज टू एंजॉय देयर पेरेंटहुड एंड चाइल्ड, है ना।
थैंक यू सो मच, इट्स अ वंडरफुल सेशन। एंड यस पेरेंट्स, हम डॉक्टर अपूर्व जी का नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, आप डायरेक्टली उनको कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इफ यू आर फ्रॉम सूरत, तो सूरत तो वो वेलोसिटी हॉस्पिटल पे मिलेंगे ही, और दूसरा एप्पल मैत्री हॉस्पिटल, राइट? यस यस यस, तो वो वहां पे भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली उनको वहां पे जाके भी कंसल्ट कर सकते हो। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड स्प्रेडिंग योर नॉलेज विद कनेक्टिंग न्यूट्रिबल फूड्स। Sure. It's a wonderful session. I liked and enjoyed too. और ये मैसेज सबको जाए और सब ये बारे में सोचे, किसी को भी डाउट है तो जैसे रिद्धि मैम ने बताया डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, कोई टेंशन नहीं, लेकिन अर्ली कनेक्ट करो जिससे हम इम्पोर्टेंट फेज ऑफ लाइफ को भी जस्टिफाई कर पाए। दैट्स माय अल्टीमेट मैसेज। Thank you so much, Dr. Apurva. And yes, parents, stay tuned and stay connected, क्योंकि और भी बहुत सारे podcasts लेकर आने वाले हैं बहुत सारे doctors के साथ. So have a great day. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you.